नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। ये जो वर्डिक्ट आया है, इसको किस तरीके से समझा जाए, इसने क्या चीज बदली है? क्योंकि अगर आप ऑन द फेस ऑफ इट देखें तो जो सत्ता में थे वो सत्ता में हैं, जो विपक्ष में थे वो विपक्ष में थे, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बदल गया है। और लगातार तमाम मुद्दों पर बात करते आए अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो लीगल ल्यूमिनरीज हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, सबसे बात करते हुए आपको लगातार पिछले कुछ सालों में दिखे हैं कपिल सिब्बल जी, और अब वो हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत कपिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वर्डिक्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि बड़ा एक भारी बदलाव हुआ है, क्योंकि जो संघर्ष हो रहा था, चुनावी संघर्ष विपक्ष और सत्ता पक्ष के प्रति, वो कम्प्लीटली असामान्य था। मतलब क्योंकि मैच ही नहीं था, और कितने सालों से मैच नहीं रहा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर अब सारी संस्थाएं अगर आप अपने कब्जे में ले लो, खासतौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया, और 10 साल एक ही चेहरा दिखाते जाओ और एक ही बात बोलते जाओ कि कैसे वही चेहरा आपको विकसित भारत की ओर ले जा रहा है, और वही चेहरा आपके लिए जो वेलफेयर स्कीम्स हैं देश की वो आपके घर पहुंचा रहा है, वही चेहरा जो कहता है कि हिंदुस्तान का इतिहास 2014 से शुरू हुआ, वही चेहरा जो विपक्ष को रोज़ के रोज़ मीडिया के द्वारा अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, ताकि ऐसा लगे देश को कि ओपोजिशन ने, विपक्ष ने हिंदुस्तान के लिए पिछले 60-65 सालों में कुछ किया ही नहीं। अगर वही आप 10 साल दिखाते रहो और ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कब्जा हो, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दो, और जो संस्थाएं, चाहे वो शिक्षा की संस्था हो, वो उनसे ऐसी बातें कहलवाओ कि ऐसा लगे कि भाई ये तो एक नया काल मोदी जी लेकर आए हैं, और मैं अकेला और आप इकट्ठे, सिर्फ मैं, तो अगर यही आप लोगों के मन में बैठा दोगे तो फिर लड़ाई कैसे होगी? और सबसे बड़ी बात, सारा पैसा देश का समेट लिया, अपने हाथ में ले लिया, चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्कीम के द्वारा, चाहे कैश डोनेशन के द्वारा जो गुप्त है, और जितना पैसा खर्च होता है, मतलब कि आप काउंटिंग एजेंट्स को पैसा देके वहाँ गायब करवा दो और जितनी मर्जी वोट दिला दो, तो ये चीज़ें तो कभी इस बाहर आई ही नहीं। तो ये जो 240 सीटें मिली हैं भाजपा को, पहले तो 63 सीटें कम हुई हैं, ठीक है, और जो देश 240 मिली हैं, असलियत में अगर सामान्य तरीके से चुनाव हो तो 150 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो आपको लगता है ये क्योंकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, उसके बाद ये नतीजा आया है? अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होता तो ये नतीजा और भी विपरीत, 150 से 160 से ज़्यादा आगे नहीं जाता। क्योंकि जो हुआ क्या है कि लोगों ने पिछले 10 साल में आखिर में आके समझा कि भैया ये तो लगता है कि असत्य है, तो ये जो जीत हुई है ये सत्य की जीत है, इंसाफ की जीत है, बेइंसाफी के खिलाफ जीत है, ये जीत जो हुई है इंसानियत की जीत है, नफरत की हार है। एक सिब्बल साहब, आपका एक एपिसोड भी था आपके यूट्यूब पर कि व्हाट गवर्नमेंट इज बेटर, गठबंधन की सरकारें बेहतर होती हैं या फिर एक सिंगल मेजॉरिटी वाली जो सरकार होती है वो बेहतर होती है, और आपने लोगों से बात की। हम गठबंधन एरा में वापस आते हुए दिख रहे हैं, जहां पर वो पुल एंड प्रेशर ऑफ गठबंधन सरकार वापस आएंगे। गठबंधन एरा अब ये रहेगा हिंदुस्तान की राजनीति में। ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा विचित्र देश है जहाँ भिन्न भिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं, भिन्न भिन्न कल्चर्स हैं, भिन्न भिन्न रेसेस हैं, और हर प्रदेश की स्थिति एक अलग स्थिति है। उस प्रदेश में भी जो कई ऐसे इलाके हैं जो दूसरे इलाकों से बिल्कुल अलग हैं,
तो ये सब की आकांक्षाओं को 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 पूरा करना ये एक बहुत ही मुश्किल काम है, और क्योंकि ये नहीं होगा, क्योंकि अब कोई ऐसी पार्टी मेरे मन में, और ये आप लिख के दे बाद में मुझे पूछना मेरे से, 10-15 साल तक 20 साल तक ये कोएलिशन कल्चर चलता रहेगा, क्योंकि अब राजनीतिक पार्टी, अकेली राजनीतिक पार्टी कभी अपने बल पे सत्ता में नहीं आ सकती। ऐसा क्यों आप कह सकते हैं? क्योंकि ये तो अभी 2014 में ही हमको देखने को मिला है, अभी इट्स वेरी रीसेंट कि हिंदुस्तान ने इस चीज को भी एक्सेप्ट किया। आप हिंदुस्तान का इतिहास देख लीजिए, हिंदुस्तान का इतिहास देख लीजिए, जब नेहरू जी पहली बार सत्ता में आए तो उस समय कांग्रेस पार्टी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी, सभी पार्टी, सभी जो डाइवर्सिटी थी हिंदुस्तान की, भिन्नता थी हिंदुस्तान की, वो उसमें समेट लिया था कांग्रेस ने, और नेहरू जी हमेशा पार्लियामेंट के बैठ के दूसरी की बात सुनते थे, जो अगर कोई भी फैसला भी लेना होता तो उसमें बातचीत करके फैसला लिया जाता था। तो अपने आप में वो एक कोएलिशन पॉलिटिकल कल्चर था। वो इसलिए नेहरू जी उसमें, क्योंकि हमारी जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी वो एक कोएलिशन पार्टनरशिप थी, किसानों की, बिजनेसमैन की, आम आदमी की, वर्गों की, इंडस्ट्री की, सबकी पार्टनरशिप थी। उसमें दलित भी जुड़े हुए थे, उसमें हर वर्ग के लोग जुड़े हुए थे। तो वो जो कल्चर था वो नेहरू के कार्यकाल में उसको आगे बढ़ाया गया, और फिर आप देखोगे कि जैसे जैसे इंदिरा जी आई, उस कार्यकाल में जो सारी स्टेट पावर थी वो इंदिरा जी ने अपने हाथों में ले ली, तो जो आज पीएमओ में होला होला है तो इंदिरा जी भी अपने बैठ के करती थी, और उसका नतीजा आपने देखा, इमरजेंसी लागू हुई, जनता दल आई, और क्योंकि जनता दल डिलीवर नहीं कर पाई तो इसलिए इंदिरा जी वापस आई, ठीक है ना। जब वापस आई तो इंदिरा जी का बड़े बुरे तरीके से आपको मालूम है क्या हुआ, उसके आधार पे राजीव जी आए, उनको जबरदस्त बहुमत मिली, 400 मिली, ठीक है ना। और आपको क्या, आपको मालूम है कि फिर जब इलेक्शन हुआ, राजीव जी की सरकार गिरी, तब से कोएलिशन पॉलिटिक्स चलती आ रही, ठीक है ना। तो राजीव की के वक्त में कोई ऐसे निर्णय नहीं लिए गए जिससे लगता था कि राजीव जी अपनी जो अपनी व्यक्तिगत सोच है वो दूसरे के गलों में किसी पक्ष को थोप रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि राजीव जी जब दोबारा इलेक्शन हुई तो 190-195 उनको सीट मिली और सत्ता में नहीं बैठे वो। उसके बाद कोएलिशन पॉलिटिक्स चली, तो समझ लीजिए कि नरसिम्हा राव जी के बाद, नरसिम्हा राव जी के बाद क्या, उससे पहले जब 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 बीजेपी ने सपोर्ट किया वीपी सिंह साहब को, करेक्ट, तो वो भी एक कोएलिशन था। तो उसके बाद देख देफोर 90 ऑनवर्ड्स आप सोच लीजिए 2014 तक कोएलिशन पॉलिटिक्स, तो ज्यादा कार्यकाल में तो कोएलिशन पॉलिटिक्स रही। और जो अपने हाथ में ऐसे सत्ता लेके अपनी मनमानी करता है तो उसका नतीजा यही होता है। तो अब लोगों को समझ आ गई कि कोएलिशन पॉलिटिक्स के बिना इस देश, ये देश विकसित देश नहीं बन सकता। तो आप ये, आपने एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देकर के ये बताया है कि अब हो सकता है कि आगे अब इसी तरीके से चलना होगा, लेकिन कपिल सिब्बल जी, आपको लगता है नरेंद्र मोदी गठबंधन धर्म का पालन कर सकते हैं या वो पुश एंड पुल, क्योंकि जैसे आपने पर्सनैलिटी टाइप बताई है उनकी, जैसे कि हम जानते हैं ही विल परहैप्स नॉट बी एबल टू। नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही विचित्र विचित्र इंसान है, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, वो रो भी लेंगे, हंस भी लेंगे, और वो, मतलब कि आई डोंट थिंक हिंदुस्तान की राजनीति में इतना अच्छा एक्टर पैदा हुआ हो हिंदुस्तान, ठीक है। तो ये आपका कहना कि कोएलिशन पॉलिटिक्स नहीं चला पाएंगे, वो चला पाएंगे मेरे मन में, कि उनको मालूम है कि कैसे सत्ता चलानी है, ठीक है ना। अब कितनी अपनी जो मनमानी वो थोड़ा मुश्किल है, वो नहीं कर पाएंगे।
तो और बाकी जो उनके साथ जो गठबंधन में अगर जुड़े, मुझे नहीं मालूम कि अभी तो कोई निर्णय नहीं हुआ, अगर ये दोनों पार्टियां उस गठबंधन में, दोनों क्या कई पार्टियां गठबंधन में जुड़ी, मेन ये दो हैं, हाँ, तो वो भी जो है ना, वो मतलब कि आप सर्कस में चले जाओ ना, तो वो मतलब कि वो जो देखते हो आप, कभी भी पलटा मार देता है उस स्की पे, इधर जाता है उधर जाता है, किसी का हाथ पकड़ता है, किसी का हाथ छोड़ देता है, फिर वो नीचे गिर जाता है। तो ये इन हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स का दृश्य आपको दिखेगा। और मोदी जी, मैं समझता हूँ कि इतने अच्छे एक्टर हैं कि वो देखें, कहीं मैंने तो आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए कहा था, मुझे अगर 10 साल मिलते और 5 साल 10 साल मिलते तो मैं भारत का दृश्य बदल देता, और फिर रो भी लेंगे, पर अभी तो मेरे अपने जो अपने हैं मेरे, ये तो JDU मेरी अपनी है, और इनके साथ तो मैंने TDP के साथ तो मैंने चंद्रबाबू नायडू पहले भी काम कर चुका हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे हमारे साथ हैं, हम इकट्ठा बैठ कर सबको सुनकर सब। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, अब ED और CBI इनके हाथ में, जिस तरह से वो कर रहे थे वो नहीं होगी। क्या बदलेगा आपके हिसाब से कपिल सिब्बल जी, कोलिशन धर्म का जब वो पालन करेंगे तो उसके बाद आप क्या पालन चीज करेंगे या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन दिखाएंगे कि जैसे पालन कर रहा हूँ, मैंने बोला ना तो एक्टिंग है, दिखाएंगे मतलब कि आप मतलब के लेट जाओ, प्राण प्रतिष्ठा कर दो, फिर ध्यान में चले जाओ, मतलब के क्या कमाल है, मतलब किसका ध्यान कर रहे थे वहां बैठ के, फिर सत्ता कैसे आए, ठीक है ना। तो ये कर पाएंगे ये नहीं कर पाएंगे ये मैं नहीं कहता, बट मैं समझता हूँ कि उनके 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 उनकी ये क्षमता जरूर है कि वो ऐसी अच्छी एक्टिंग करेंगे तो प्रभाव करेंगे, लोगों के ऊपर प्रभावित भी होंगे कि देखो मैं देखो कोएलिशन पॉलिटिक्स कितनी अच्छी चला सकते। ईडी CBI की आपने बात की कि अब उस तरीके का कंट्रोल नहीं होगा, तो आपको लगता है कि जिस तरीके से ईडी के तमाम केसेस में लोग जेल में बंद हैं, कुछ सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स, कुछ एक्स चीफ मिनिस्टर्स, ऑपोजिशन के ज्यादातर लोग, क्योंकि अभी भी वो सत्ता में हैं और ऑपोजिशन विपक्ष में, कोर्ट का रवैया भी बदल जाएगा। कोर्ट का कैसे, कोर्ट का क्या लेना देना नहीं, कोर्ट देखती है ना, कोर्ट देखती है ना, देखिए कि भाई ऐसी तानाशाही ऐसे तानाशाही फैसलों के साथ जनता ने इनको नकार कर दिया, तो कोर्ट भी फिर सोचती है कि भाई ऐसा है कि काहे को किसी चीफ मिनिस्टर को जेल में रखो। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे, एक आपको, मुझे कभी समझ नहीं आती कि कोर्ट फैसले कैसे करती है। आप हार्दिक पटेल का केस देख लीजिए, हार्दिक पटेल के केस में उनकी कन्विक्शन हुई थी, मैं समझता हूँ कि गलत कन्विक्शन थी, मैं उनका वकील भी रहा, लेकिन कोर्ट उनको राहत देने वाले दे नहीं रही थी। जब राहत नहीं दे रही थी तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव हमने की, वो एडमिट हो गई, मैं उनका वकील था। तो जब एडमिट हुई तो केस एक जज साहब के साथ लगा, जो अब गवर्नर बन गए हैं, नजीर साहब के सामने लगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है एक दिन मैं इसका फैसला करने को करूंगा। केस बड़ा अच्छा था। तो क्या हुआ कि पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मैं फिर मुझे बताया गया कि भैया अगले दिन कोई जरूरत नहीं है मेरी। तो फिर मैंने अगले दिन जब देखा तो केस का फैसला ही हो गया था। एक तरफ एक लॉ ऑफिसर खड़े हो गए थे, दूसरी तरफ मुझे चेंज करके एक और जो भाजपा के काफ़ी नज़दीक हैं वो खड़े हो गए, और कुछ मुझे सुना है, मैं मुझे जानता तो नहीं पूरी तरह से, कि भाई उन्होंने खुद कहा कि भाई स्टे दे दीजिए। तो कन्विक्टेड आदमी को स्टे देकर वो MLA का चुनाव लड़ा और जीत गया। फिर आ जाओ आप ब्रिजभूषण की बात, वो कन्विक्टेड नहीं है लेकिन उसके खिलाफ चार्जशीट है, ठीक है ना। अब हार्दिक पटेल कन्विक्शन होने के बाद स्टे के आधार पे चुनाव लड़ा और MLA बन गए। दूसरा आपका ब्रिजभूषण सिंह, उसके खिलाफ आपको मालूम है क्या 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 करेक्ट चार्जेस हैं, चार्जशीट फाइल हो गई। वो अपने बेटे के लिए कैंपेनिंग कर रहा, वो खुद भी चुनाव लड़ सकता था, कोई रोक नहीं। तो एक कन्विक्टेड आदमी चुनाव लड़ सकता है और प्रचार कर सकता है, एक चार्जशीटेड आदमी चुनाव लड़ सकता है और प्रचार कर सकता है,
और दो चीफ मिनिस्टर जिनके खिलाफ केवल एलिगेशंस हैं वो प्रचार नहीं कर सकते। तो आप मुझे बताइए इसमें न्याय की भूमिका है कोई? कि जिस जो चार्जशीट नहीं है, जो कन्विक्टेड नहीं है, वो प्रचार नहीं कर सकता, और जो चार्जशीटेड है, जो कन्विक्टेड है, वो चुनाव भी लड़ सकता है और प्रचार भी कर सकता है। लेकिन सिब्बल साहब आपने एक अच्छा, मैं आपको एक और बता, सपोजिंग इनमें से एक मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहा था तो क्या होता? इनमें मुख्यमंत्री कौन? हेमंत सोरेन एंड एंड खुद अरविंद केजरीवाल। सपोजिंग अरविंद केजरीवाल वाज फाइटिंग एन इलेक्शन फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उदाहरण के तौर जी तो फिर भी वो चुनाव नहीं कर पाते कोर्ट के फैसले के आधार पर। तो एक चार्जशीटेड आदमी तो चुनाव लड़ सकता है, प्रचार भी कर सकता है। तो अगर वो एक प्रत्याशी के रूप में आगे आते तो ना तो प्रचार कर सकते थे, वो जेल भी रहते। इसका एक उदाहरण पंजाब में भी है, अमृतपाल सिंह। हाँ देखो, वो जेल में बंद हैं, रासुका लगी हुई है, लेकिन फिर भी वो चुनाव लड़के जीत भी गए। कई ऐसे उदाहरण है आज के दिन, आप हिंदुस्तान का इतिहास देख लीजिए, कई ऐसे उदाहरण है। आपको लगता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आप बोल रहे हैं, आपको लगता है कि कोर्ट्स भी प्रभावित होंगी एक पॉलिटिकल आउटकम से? कोई देखिए ऐसा, क्योंकि ये तो बड़ी अजीब, ये तो नहीं होना चाहिए। नहीं, होना नहीं चाहिए, या होना चाहिए कि बात नहीं हो रही। हम इंसान है ना भाई, कोई जो कोर्ट में बैठा हुआ न्यायाधीश है वो भगवान तो नहीं है ना, वो भी इंसान है, वो रोज के रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, रोज के रोज मीडिया चैनल देखते हैं, रोज के रोज ऑफ मीडिया, ऑफ मीन स्टैम मीडिया, ये सोशल मीडिया देखते हैं, वो भी इंसान है, वो भी प्रभावित होते हैं। इसमें क्या गलत को बात नहीं, गलत बात नहीं है। नहीं, गलत तो है ही सिब्बल साहब, कोर्ट से तो आप ये उम्मीद करते हैं कि उनको पॉलिटिक्स से। किसी भी देश में कोई भी कोर्ट देख लीजिए, आप देख लीजिए अमेरिका, उनका सुप्रीम कोर्ट देख लीजिए, क्या क्या हो रहा है वहाँ। वो तो खैर, तो फिर तो ये देखो, हम सोचते हैं कि कोर्ट में जो बैठे हुए हैं वो भगवान है, वो इंसान है, भगवान नहीं है, गलतियां उनसे भी हो सकती हैं, सही फैसले वो भी कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि अमूमन ये कहा जाता है, एटलीस्ट इन लीगल पार्लेंस, और मैं इस पर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि ये मुझे आपकी बात, आई कंसिडर दिस अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, आपको लगता है कि जब ये मामले अब अदालत के सामने जाएंगे और जो तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे एजेंसीज द्वारा इन लोगों के खिलाफ जो कि जेल में हैं, उसकी ज़्यादा तगड़ी लीगल स्क्रूटनी होगी, अब होगी बजाय इसके कि जो पहले हो रही थी? सही बात और होनी भी चाहिए, मतलब और ज़्यादा ईडी से सवाल पूछे जाएंगे और बताया जाएगा कि बताइए किस आधार पे ये वो, वेरी इंटरेस्टिंग। ट्रूथ, देखिए हम तो देखिए, मैंने अपना चैनल क्यों शुरू किया यूट्यूब, दिल से किया ना, हमें दिल की बात करते हैं हम, किसी काय को फरेब करें, काय को एक्टिंग करें, काय को झूठ बोलें, ये दिल की बात है, ये मेरी अपनी राय है एज ए नागरिक ऑफ दिस कंट्री, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। जब मैं अदालतों को देखता हूँ तो मैंने ऐसे कई दृश्य देखे मैंने। इन अदर वर्ड्स, क्या मैं सही हूँ अगर मैं ये बोलूँ कि अदालतों पर जो एक वेदर ओवर्ट और कोवर्ट राजनीतिक दबाव जो वो महसूस कर रहे थे वो कम होगा? कोई राजनीतिक दबाव, ये अपने आप पे दबाव है, मतलब खुद अदालतें जो हैं वो इंसान है, वो देखते हैं कि भैया आप तो देखिए ना, एक नदी तेजी से आगे बढ़ रही है तो उस नदी में भी आप किश्ती में बैठ के चले जाओगे ना, ठीक है ना, थोड़ी धीमी हो जाए तो आप भी धीमे हो जाओगे। ये तो हो गई अदालत की बात, ईडी सीबीआई की बात, आप कहते हैं कि देयर विल बी ग्रेटर लीगल स्क्रूटनी और वो देखना होगा उसका परिणाम क्या होगा। दूसरी चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि संसद के अंदर विद दीज चेंज डायनामिक्स, देखिए हमने देखा पिछले 10 साल में बहुत सारे ऐसे बिल्स थे जो कि एकदम आनन फानन में आए और तूफान की तरह पास हो गए, आपको लगता है उस पर भी असर पड़ेगा या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, लाइक मनी बिल्स, कोई शक नहीं मनी बिल ऐसे पास नहीं हो पाएंगे क्योंकि जो वो बैठे हुए हैं गठबंधन के लोग। अच्छा, एक और दिक्कत आएगी इन लोगों को, अच्छा बाद में बात करेंगे, चलिए मनी बिल्स पे कोई प्रभाव, कोई उतना प्रभाव नहीं होगा, अब मनी बिल जैसे पारित नहीं होंगे और चर्चा होगी राज्यसभा में, क्योंकि जो इंडिया अलायंस की जो नंबर हैं वो 233 हैं, राइट,
और इनके 240 हैं, तो लगभग इंडिया अलायंस उतनी उनकी उतनी ही संख्या जितनी भाजपा की है, और बाकी रह गए आपके, अगर अगर ये ऐसी सरकार बनती है, दिस इज ऑल ऑन दैट प्रिजम्पशन, तो बाकी लोग तो गठबंधन के सरकार है ना, तो वो तो झेल चुके हैं इन सब चीज़ों को, वो ईडी भी झेल चुके हैं, ठीक है ना, वो सीबीआई भी झेल चुके हैं, वो जेल में भी जा चुके हैं, तो उनको मालूम है कि क्या किस तरह से इसका दुरुपयोग होता है, तो वो रोक लगाएंगे ना, नहीं लगाएंगे तो वो भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि जनता देखिए एक बड़ा भारी चेंज आया है इस देश में, और वो कम्युनिकेशंस द्वारा। वो चेंज ये है कि अब जो आम आदमी है, क्योंकि उसका मेन स्ट्रीम मीडिया से विश्वास उठ रहा है, हाँ, और जो युवा प्रदेश में है, देहात में है, वो अपने मोबाइल फोन से, वो मेरे घर में भी जो कुछ लोग जो काम करते हैं उनके पास आईफोन है, उनके पास वो छोटा फोन नहीं है, वो आईफोन है, एंड्रॉइड वाला नहीं है, जिसमें वो ये वीडियोस देखते हैं, सब देखते हैं, उनको सब पता चलता है। अब हम कहीं जाएं तो एक दिन मैं होटल में गया, किसी को मुझे मिलना था, तो एक किसी ने दरवाज़ा खोला तो मुझे पूछता, सर ये कब जाएंगे, ये दरवान वहाँ जो दरवाज़ा खोलता है, सर बहुत हो गया। तो ये जो चीज़ हो रही है इस देश में कम्युनिकेशंस रेवोल्यूशन के द्वारा, ये अब ख़त्म नहीं हो सकती, और जब ये रोक लगाना चाहते थे थ्रू द न्यू बिल दैट दे वांट टू प्रेजेंट, वो रोक अब नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि अब ये लेकिन चाहते, वो, उस समय चाहते थे कि सोशल मीडिया का भी गला घोट कब हो जाए। हाँ। लेकिन वो देखिए वो राहत भी लोगों को सुप्रीम कोर्ट से मिली। हाँ। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इतना दबाव में होता तो ना तो इलेक्टोरल बॉन्ड का जजमेंट होता। मैं दबाव की बात ही नहीं कर रहा, मैं आपने सवाल किया तो मैंने कहा नहीं, ये अपने आप दबाव, अपने आप पे दबाव की बात है, क्योंकि इंसान है ना, तो वो भी जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, तो ये किसी से दबाव नहीं होता, अगर होता होगा तो उसका मुझे मालूम नहीं, उसका मुझे नहीं मालूम, और मैं मतलब के सच्चाई से कोई ऐसी बात नहीं कर सकता जो जिसका मुझे इल्म नहीं है। लेकिन सिब्बल साहब देखिए एक चीज़ होती है, कोएलिशन में आपको चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, मनमानी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसी चीज़ को बीजेपी, आप जानते हैं, वो कई बार ये कह चुकी है कि देखिए ये जो गठबंधन के नाम पर ये किस तरीके से अपनी मर्जी चलाते थे, सिंगल पार्टी में हम किस तरीके से ले करके गए, हमने जो वादा किया उसको पूरा किया, उसका नतीजा क्या हुआ नहीं, फिर अगर वो एक मैसेजिंग जनता में ये लेके जाएं, देखो ये हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमें आपके हित का काम नहीं करने दे रहे हैं, और फिर देखो इन्होंने अपने हित का, हमारे हित का काम क्या किया है, ये तो पहले, ये तो इनको अब तय करना पड़ेगा ना, जो बेरोजगारी है ये गठबंधन सरकार की वजह से तो नहीं आई, जितनी बेरोजगारी आज के दिन है वो हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुई। हाँ, जो आप जीडीपी ग्रोथ की आप बात करते हो, आप तुलना करते हो ऑन द डेटा ऑफ द पेंडेमिक, ड्यूरिंग द पेंडेमिक, प्री पेंडेमिक की तुलना नहीं करते आप, तो वो डेटा भी आपका सही नहीं है, क्योंकि जमीन पे पता चल जाता है ना। अच्छा, और क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से, प्राइस राइज की वजह से ये भी हो गया है कि लोगों के पास खर्चने का कम पैसा है, और हिंदुस्तान का डेट बहुत बढ़ गया है, इन्होंने इतना ज़्यादा गवर्नमेंट ने लोन लिया है, लोन्स लिए हैं, डेट भी बहुत बढ़ गया है, तो जो देश की जो आर्थिक स्थिति है ये गठबंधन की वजह से तो इस स्टेज पे पहुंची, इनकी वजह से इस स्टेज पे पहुंची है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वो इनकी वजह से इस स्टेज पे पहुंची है, जो प्राइस राइज है वो इनकी वजह से। देखिए पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम तब क्या था जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और आज क्या है, इनका उन्होंने फायदा उठाया फिर भी लोगों को राहत नहीं मिल पाई, और इन्होंने जो अमीर से अमीर लोग हैं उनको और अमीर कर दिया, और गरीबों को वहीं के वहीं, गरीब के वहीं के वहीं रहे। अमीर की जो आपने बात की उसी से जुड़ा हुआ एक मसला अभी चल रहा है, और वो ये है कि स्टॉक मार्केट एग्जिट पोल के बाद किस तरीके से ऊपर गया, और उसके बाद फिर नतीजों के बाद वो कैसे नीचे आया, और एक प्राइवेट टेलीविजन चैनल जो कि अब एक कॉरपोरेट जगत के एक बहुत बड़े होंचो उसके मालिक हो गए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों ये सलाह देते हुए या एडवाइस देते हुए दिख रहे थे कि आप
स्टॉक मार्केट में निवेश कीजिए, स्टॉक मार्केट बिल्कुल ऊपर जाएगा। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये दिस इज अ स्टॉक मार्केट स्कैम जो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रचा है, किया है अपने कॉरपोरेट साथियों को मदद देने के लिए। उनका ये कहना है कि इस पर JPC होनी चाहिए। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखिए इसने इन्होंने तो स्टॉक बड़ा पहले भी पाइल कर लिया था और मार्केट के द्वारा पहले भी ऐसे इनकी स्टॉक पाइल बढ़ती रही और ये स्कैम तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये स्कैम केवल इनके ऊपर सीमित केवल ये नहीं, लोग इन्वॉल्व इन दिस स्कैम, इसमें सारी इंडस्ट्री, मीडिया, खास तौर पे मीडिया। मैं आऊंगा उस पर, विशेष आपसे बात करेंगे। मीडिया ये सब इसमें इन्वॉल्व है। ये JBC लागू करें या ना करें और नहीं करेंगे, मैं आज आपको बता दूं, क्योंकि जिस दिन इन्होंने JPC कर दी तो उस दिन तो इतनी ऐसी खबरें आने लगेंगी, तो जो इनके गठबंधन के लोग, अगर वो गठबंधन की सरकार बनी तो वो भी घबरा जाएंगे। बट वो छोड़िए बात, आज के दिन जनता को ये मालूम है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। JPC बने या ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो चर्चा इस बात की है 400 पार की, ये आर या पार की होगी आने वाले वक्त में। और मैं अपनी राय दे रहा हूँ जी कि कभी भी अगर विपक्ष सत्ता में आया तो उनका पहला ये कदम होना चाहिए कि ये जो नेक्सस है, ठीक है ना, बिटवीन उद्योगपति, मीडिया चैनल्स एंड पॉलिटिशियंस एंड राजनीतिक दल, इसको 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 ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज यही मीडिया चैनल्स पैसे बनाते रहेंगे, क्योंकि इनको खबरों से कोई ताल्लुक नहीं। ये जो मीडिया चैनल्स हैं इनको खबरों से कोई ताल्लुक नहीं, इनको पैसों से ताल्लुक है। ये पैसे बनाने का खेल है और ये आपकी इमोशंस को लेकर पैसा बनाते हैं। आपके इमोशन का मतलब, अब राम की बात करो, देखो प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी खुश, ये भी खुश। सिंपल सर, इसको क्वांटिफाई आप कैसे करेंगे, मतलब यहाँ पर आप अपराध कैसे ढूंढेंगे? अगर सपोज अगर कोई फिल्म आ रही है जो कि प्रोपेगेंडा है, तो क्या प्रोपेगेंडा करना अपराध है? नहीं, अगर अपराध है तब तो आप नहीं देखिए, क्योंकि ये तो एक वैल्यू जजमेंट हो गई। नहीं, कि खबर वो खराब खबर दिखा रहा है या मैनिपुलेट करने के लिए दिखा रहा है। देखिए अच्छा, ये मैं इस बहस में मैं पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि सीधे देखो, जो कई बार कैसी होती है कि एक बहस से आप लॉजिकल नतीजे पे नहीं पहुंच पाते, हाँ, लेकिन फिर भी जो बुनियादी बात है वो सब कमा लो। नहीं, वो तो है ही, वो तो किसी से नहीं छुपी, तो इस ये चर्चा करने का कोई फायदा ही नहीं। मैं तो नहीं कह रहा कि भैया ये कर सकते थे, मान लिया ये कर सकते थे, बट किस लिए किया? पैसे बनाने के लिए, यही है ना, है ना। अगर मैं वकील हूँ तो कोई को जेल में है तो मैं 50 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़ भी ले सकता हूँ उसको रिहा करने के लिए, ठीक है ना। वो छूट तो जाएगा लेकिन सोचेगा, यार इसने मेरे से 5 करोड़ ले लिया, ये तो ठीक नहीं लगता, समझे ना। मैं ले सकता हूँ 5 करोड़ लेकिन कहीं ना कहीं जो जो जिसकी जिसको रिहा किया गया वो भी सोचेगा, यार ये तो ज्यादा ले लिया, मैंने जात किया यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं फंसा हुआ तो मैं वही कर दिया। पर इनको तो सबको फायदा है ना, तीनों को फायदा है, स्टॉक मार्केट को फायदा, ब्रोकर्स को फायदा, मीडिया चैनल्स को फायदा और पॉलिटिकल पार्टी को। एक उसमें बात एग्जिट पोल्स की भी हो रही थी कि एग्जिट पोल में 400 पार दिखाया गया, सो एन एलिगेशन इज दैट दे आर आल्सो कॉम्प्लिसिट, वो भी इसमें क्या शक है। अरे भैया, रेड माइक आप घूमे हो, आप प्रणय रॉय जी के साथ घूमे हो, सारा देश घूमे हो, आपको भी मालूम है कि वहाँ स्थानीय स्थिति क्या थी, आपको भी मालूम है कि बदलाव हो रहा है। आप तो एक दो चार लोगों के साथ घूमे हो, इनके तो हर मीडिया चैनल के तो रिपोर्टर हैं, हर जगह रिपोर्टर हैं, वो इनको आकर बताते होंगे कि भाई असलियत क्या है,
तो सभी बताते थे कि 400 सीट आ रही हैं, हाँ, और सारी मीडिया चैनल्स कहती थी कि 400 सीट आ रही हैं, 370 इनकी और बाकी गठबंधन की कोएलिशन की, तो सभी कहते थे कि 400, हालांकि रिपोर्टर हमें आकर कहते थे कि ऐसी स्थिति नहीं है, तो इसका मतलब ये झूठ बोल रहे थे, इसका मतलब ये मिले हुए थे, इसका मतलब जिन्होंने इनको सेफोलॉजिस्ट ने इनको कहा कि हम 400 सीट दिखा रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम तो दिखाएंगे, क्योंकि मोदी भी खुश, इनके ओनर्स भी खुश, स्टॉक मार्केट भी खुश और पैसा भी बना, तो मज़े हैं। और अगर वाकई में इनकी सरकार आ जाती तो फिर तो कमाल हो जाता, फिर तो कोई उनको रोक ही नहीं सकता था। तो जनता ने कहा कि हम आपके जो सड़क पे आपकी गाड़ी चल रही है ना, हम बैरियर बन गए, हमने बैरियर लगा दिया, हमने आपको रोक दिया। ये हुआ हिंदुस्तान। तो ये जो स्टॉक मार्केट स्कैम आप मानते हैं, मुझे याद है आपने द रेड माइक में ही इलेक्टोरल बॉन्ड को भी मोदीज बिगेस्ट स्कैम बोला था, और इसको भी आप स्कैम मानते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसकी जांच कौन करे, कैसे करे? जेपीसी की मांग है वही हो या फिर तो सेबी को करनी चाहिए, सेबी को करनी चाहिए, क्योंकि कई सेबी के जो प्रावधान है उसका उल्लंघन हुआ है, और लेकिन आज की स्थिति में सेबी ये जांच नहीं करेंगे मेरे हिसाब से। होगी जांच, आज नहीं होगी, आज फिर कब होगी? अब होगी जब 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 आहिस्ता आहिस्ता हर चीज में देखो वक्त लगता है। जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है, और तेजी से ऊपर जाएगा तो तेजी से नीचे भी आ सकता है, इतनी तेजी से नहीं आएगा तो आहिस्ता 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 आ सकता है, आएगा ना किसी दिन। ठीक है, अब बात करते हैं, आपने उसके लिए ब्रीफली तो बात की, लेकिन मैं स्पेसिफिकली सवाल पूछना चाहता हूँ। ये मेन स्ट्रीम मीडिया, एक तो मुझे ऐसे लगता है सिब्बल साहब कि मेन स्ट्रीम मीडिया की परिभाषा जो नॉमन क्लेचर है वही बदल चुकी है। आई वुड चूज टू बिलीव कि अब हम मेन स्ट्रीम मीडिया हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि वो महसूस हो रहा है लोगों से बात करके, लोगों का मतलब एक वो संवाद में बीच में। अरे भैया मैं भी तो एंकर हूं। बिल्कुल, आप मेन स्ट्रीम है, हम मेन स्ट्रीम है, तो अब मेन स्ट्रीम के लिए कोई बहुत पैसा या उसकी जरूरत नहीं। बिल्कुल सही, एक तो ये चीज, लेकिन फिर आपकी तकलीफ किस चीज से है जब उनको कोई देख ही नहीं रहा है? भाई आप अपना ईंधन कहां से पाते हैं ना, देख रहे हैं ना, ऐसी क्या बात है कि देख नहीं रहा? आपके अब गलत बोल रहे हैं, देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, क्योंकि देखो ऐसा है हर घर में कई किस्म के, देखो भाजपा के, अगर भाजपा 240 सीट लेकर रही है तो ऐसी संख्या होगी ना देश में भाजपाइयों की, हाँ, जो उनको उनमें विश्वास अभी बात करते हैं, वो देखेंगे, रोज देखेंगे, और वही बात पर चर्चा करेंगे कॉफी हाउस में, बाकी जहां जाकर वो पार्क में सुबह सैर करते वही चर्चा करेंगे, देखो आपने देखा, बात होगी। पर ठीक तो है ना सिब्बल साहब, जैसे जिसको जो चीज देखनी है उसके पास वो विकल्प उपलब्ध है। यही गलत है, ये आपका सवाल भी गलत है, ठीक नहीं है, क्योंकि देर इज द ब्रॉडकास्टिंग एक्ट, देर आर नॉर्म्स अंडर द ब्रॉडकास्टिंग एक्ट, दोज नॉर्म्स हैव बीन वायलेटेड, ये ठीक नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, ठीक है ना? तो जी आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं तो आपका प्रिजम्पशन है कि मीडिया कुछ भी करे ठीक है, ये प्रिजम्पशन गलत। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं कुछ, तो कुछ नियमों के दायरे में रह गए। कौन सा नियम इन्होंने पालन किया? ये नियमों के दायरे में कर रहे हैं काम, इनका तो लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, लेकिन कौन करेगा? लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए एक पर्टिकुलर ओपिनियन दिखाने के लिए, ओपिनियन या जो मुझे सबसे जो खराब चीज लगी वो ये है कि बहुत सारे लोगों का बहुत ओपनली एक बहुत ही डिविसिव नैरेटिव को आगे बढ़ाना, वही वही वो गलत था, वही है वो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस तरह से ये नफरत ये खुद फैला रहे थे और झूठी स्टोरीज, मतलब कि पैंडेमिक हुआ और निजामुद्दीन, आपको मालूम है क्या इन्होंने कहा? मरकज मस्जिद, मरकज मस्जिद, क्या क्या इन्होंने बातें कही, और सब मीडिया चला रहा था। तो ये हर नॉर्म का उल्लंघन करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग रूल्स और नॉर्म्स का उल्लंघन करते हैं, और पैसे के लिए करते हैं, और राजनीतिक नेताओं को खुश करने के लिए करते हैं, वो इनको फोन करते हैं कि ये खबर चलाओ, और ये चलाते हैं। अगर ये आप समझते हो कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया का हक है, तो मैं आपसे नहीं, हक तो नहीं है, मेरा ये कहना है कि टू ओपाइन इज योर राइट, लेकिन इट शुड बी बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट फैक्ट्स, दैट्स राइट ना, दैट्स, सो दिस इज नॉट एन ओपिनियन, दिस इज नॉट एन ओपिनियन, दिस इज taking forward the agenda of the ruling party.
That's not the norm. That's not what's expected of the media. Right? अब जब हम भी बात करते हैं इवन इन माई दिल से चैनल इन यूट्यूब चैनल वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट फ्रॉम अबाउट थिंग्स वी डोंट गिव वन साइडेड इंफॉर्मेशन वी गेट इंफॉर्मेशन और हम मुद्दे उठाते हैं जो देश के सामने उन पर चर्चा होनी चाहिए हम सही हैं हम गलत भी हो सकते हैं ये तो चर्चा देख करने ही नहीं देते अगर आपका ऑपोजिशन का बंदा वहां बैठ गया आपके एंकर के सामने जैसे ही वो बात बोलता है उसको उसको उसकी बात बोलती बंद कर देते हैं और दूसरे पास चले जाते हैं अच्छा 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 आपने कह दिया आप उनसे पूछना चाहती हूं मैं ये होता है ना देखिए एक तो हो गया कि एक स्टाइल दूसरा आपका ये मानना है कि नेक्सस और आई चूज टू बिलीव आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो एक क्रिमिनल नेक्सस की तरफ भी है सही बात तो क्योंकि आप मैनिपुलेट करोगे स्टॉक मार्केट के दैट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस आपको मालूम है और इस लिहाज से आप सोचते हैं कि इसकी भी जांच होनी चाहिए अरे कई इसमें इस दौरान में इस चुनाव के दौरान में जितने क्रिमिनल ऑफेंसेस बड़े बड़े लीडरों ने किए हैं उन पर कोई आज तक FIR नहीं आपको लगता है ये कोलिशन धर्म में चीजें बदल सकती हैं मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि अभी तो कोलिशन बनी ही नहीं तो बनेगी तब बात करेंगे ये किस तरफ आप इशारा कर रहे हैं बार बार कि कोलिशन तो अभी बना ही नहीं इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोलिशन जो है वो किसी और दिशा में भी जा सकता है नहीं 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 ये बात नहीं है देखिए ऐसा है कि जितनी मुझे समझ है संविधान की राजनीतिक लोगों को ज्यादा समझ हो सकती है लेकिन जितनी मेरी समझ है वो ये है कि आप अभी पार्टी ने तो आपको नियुक्त नहीं किया कि आप पार्टी के लीडर हो पार्टी की तो बैठक ही नहीं बैठाई हुई वो कह रहे हैं कि भाई संडे को होगी कह रहे हैं तो पार्टी की बैठक इससे पहले नहीं हुई आपने अपनी NDA पार्टनर को बुला लिया उनसे सपोर्ट भी ले ली ये भी कह दिया कि मोदी जी हमारे लीडर हैं तो ये संवैधानिक कैसे है संविधान तो ये कहता है ना कि पहले अपनी पार्टी की बैठक करो बैठक के बाद आप लीडर चुने जाओ उसके बाद आप NDA पार्टनर्स को जो पर बुलाना कोएलिशन सरकार बनाना चाहते हो तो उनको बुलाओ फिर आपकी लीडरशिप मानी जाए फिर आप राष्ट्रपति जी के साथ जाओ और कहो कि ये मेरे सहयोगी दल है हमारे इतनी सीटें हैं और मैं शपथ लेना चाहता हूँ प्रधानमंत्री की शपथ लेना चाहता हूँ ऐसा तो नहीं हुआ ऐसा ये तो मतलब कि जैसे ब्रिज में कहते हैं ना फिनेस करना चाहते मेरा आखिरी सवाल जो मैं समझ पाया हूँ आपका ये कहना है कि देर एग्जिस्ट अ क्रिमिनल नेक्सस बिटवीन द कॉर्पोरेट ओन्ड मीडिया हाउसेस बिजनेस हाउसेस पॉलिटिशियंस और ये ना केवल मार्केट मैनिपुलेट बल्कि स्टॉक ब्रोकर्स ये लोगों के इमोशंस को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं बिल्कुल, ये. बिल्कुल. मैं आपसे जानना चाहता हूँ एज ए लीगल ल्यूमिनरी ये भारत की कौन से कानून का उल्लंघन सेबी की नॉर्म्स का उल्लंघन है एक तो सेबी इफ देयर इज अ मैनिपुलेशन ऑफ द स्टॉक मार्केट द सेबी इज एंटाइटल्ड टू इन्वेस्टिगेट नाउ वेदर द सेबी विल डू इट और नॉट आई कैन नॉट पॉसिबली से बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो एक बात होगी ना दूसरी बात ये जो भड़काऊ भाषण दिए गए हेट स्पीच दी गई उस पर भी FIR होनी चाहिए वो तो कभी भी हो सकती है इनकी देखिए इनके कार्यकाल में क्या हुआ ये कहती हैं कि एक इंसिडेंट 2004 में हुआ उसकी FIR 2024 में होगी और उसको अरेस्ट कर लेंगे आज के दिन तो यही हो रहा है कई उदाहरण है मैं खुद केस नहीं कांग्रेस के इनकम टैक्स नोटिस वो कब के थे कांग्रेस पार्टी को छोड़ो मैं एक कई व्यक्ति ऐसे अरेस्ट हुए जान के देखिए ये हेमंत सोरेन जिसका मैं वकील हूँ उसी की बात कर लेते हैं ये कहते हैं कि जी हेमंत सोरेन ने किसी लैंड का कब्जा किया 2009 में 2009 में उसकी FIR 2023 में हुई ठीक है ना तो अगर आज भी FIR नहीं करें तो जब विपक्ष आएगा तो हम कर सकते हैं मतलब जो अभी 10 साल में हुआ है जो 20-25 साल के बाद जो FIR करते हैं उसके आधार पे लोगों को गिरफ्तार करते हैं हम भी कर सकते हैं देखिए आपको अगर अच्छे काम करोगे उसका परिणाम यही मिलेगा बुरे काम करोगे उसका परिणाम भी यही मिलेगा
कपिल सिब्बल साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार।